और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होना है, तो शुरू से लेके एंड तक देखना और प्लीज पूरा व्लॉग देखा करो, स्किप 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 करके मत देखा करो, पूरा का पूरा देखा करो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और बहुत सारा प्यार देना। तो आज है सैटरडे, तो लेट्स सी क्या कर रहे हैं सब। पापा और सोनू तो नहीं है, बस मम्मी और मोनी है। और बहुत गर्मी हो रही है बाहर, मैं अभी आपको बाहर दिखाती हूँ, उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही बाहर। आप देख सकते हैं मतलब सूरज भी निकला है, धूप हो रही है, लेकिन हवा भी बहुत प्यारी है, लेकिन गर्मी तो लग ही रही है। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, अच्छी अच्छी हवा चलते हुए, धूप है तेज। तो हम चलते हैं अंदर, कोई इतनी गर्मी में नहीं रहना चाहता और ना मैं रहना चाहती हूँ, तो अंदर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहे हो आप? आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। कढ़ी खिलाएगी आज मेरी माँ? आज कढ़ी चावल बनाऊंगी मैं। हम दिखाते हैं कढ़ी कैसे बनाएगी मम्मी। सबके घर में बनती है कढ़ी, लेकिन अलग अलग तरीके से बनती है। तो मम्मी आज अपना स्पेशल कढ़ी आपको बना के दिखाएंगी, ये एक सैटरडे स्पेशल कढ़ी चावल। तो अभी हम बनाएंगे तब आपको दिखाते हैं। और आज हम खाने वाले मस्त मस्त कढ़ी चावल। तो मम्मी बना रही है कढ़ी। मम्मी ने यहाँ पे ले लिया है बेसन, और इसे मम्मी किससे घोलेंगे? इसे मट्ठे से घोलेंगे। मट्ठे से मम्मी इसे घोल रही है, ऐसे दिखाती हूँ आपको। चम्मच से नहीं करूंगी, हाथ से करूंगी। क्यों? इसमें जो लम्स नहीं रहते ना फिर हाथ। ओह माय गॉड, ये देखो कढ़ी की पूरी तैयारी। तो आप मम्मी इसे घोल देंगी अभी, फिर उसके बाद आगे। सबके घर में कढ़ी बनती है, लेकिन अलग अलग तरीके से बनती है, और हम भी दो तरीके से बनाते हैं ना। हाँ। तो आज आप कौन से तरीके से बना रही हो? पहले तड़का लगा के या बाद में? पहले मसाला, पहले मसाला भून के मम्मी बनाने वाली है। तो अभी मम्मी को इसे घोलने देते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे रख दिया कढ़ाई, और इसमें जा रहा है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल से ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है ऐसी चीजों में, कढ़ी कढ़ी में। तो अभी मम्मी इसमें क्या डालने वाली है? इसमें साबुत लाल मिर्च, तड़के वाली मिर्च डालने जा रही है इसमें, थोड़ा सा हींग भी, हींग भी डलेगा, और मेथी दाना। मेथी दाना तड़का मिर्च, इससे हम इसमें तड़का देने वाले हैं। मेथी दाना और तड़का मिर्च और थोड़ा सा हींग। तो तेल हो चुका है गरम, इसमें डाल दिया तड़के वाली मिर्च और हींग डाल दिया है। ये देखो हींग भी डल चुका है। अब मम्मी डालने वाली है इसमें मेथी दाना। लिटरली आप जीरे का तड़का मत देना इसमें, मेथी दाने के तड़के से इसका टेस्ट जो है ना डबल हो जाता है। लिखेंगे मेथी दाना भी क्या, मैं थोड़ा दूर हो जाती कभी मुझे छींटे आ जाए। अब इसमें मम्मी ने पहले से ही मसाला पीसा हुआ है, किसका? प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्ची, सब कुछ मम्मी ने पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो मम्मी डाल देगी उसमें मसाला, ज्यादा काली मत होने देना। ये जा रहा है मसाला, मजदूर हो जाते हैं, बहुत आवाज आ रही है। और ये देखो मतलब सीजन शुरू हुआ है बरसात, और हमारे घर में पहले ही आ गया, मतलब पापा पहले लेके आ रहे थे। तो मोनी को इतना पसंद है, तो ये बूटे बताना किस किस के फेवरेट हैं। बूटा, ये बूटे का सीजन आ चुका है। हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ मसाला भून के। ये देखो मसाला भून रहा है, तब तक हम बाहर चलते हैं मसाला भूनने के लिए। क्या मसाले मम्मी डाल रही है? रेड मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, सब डाल दिया। नहीं घुमा दो, कौन आए पापा? थोड़ा सा भुनेगा, उसके बाद हम इसमें ये जो बनाया है कढ़ी के लिए, ये पूरा इसमें हम ऐड कर देंगे। देख करके बना रहे, चलो मम्मी को बना ले दो। तो पापा जस्ट अभी अभी आए हो, और मेरे को लिटरली बहुत भूख लग रही थी, और मैंने ये वाला जूस निकाल के रखा था बाहर, लेकिन हमारे लिए आ गया यहाँ पे फ्रेश जूस आ गया हमारे लिए, ये रहा। तो अभी हम पीने वाले हैं जूस, फ्रेश जूस तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे भूलती तो मैंने सोचा वही, लेकिन पता नहीं पापा ने मेरे मन की बात कैसे सुन ली और ये जूस आ गया। तो ये वाला रहा पापा का जूस, इसमें शुगर नहीं है। ये लो, ये रहे पापा, हेलो बोल दो। हेलो, हाय। इनका है बिना शुगर वाला, और हम सब पीने वाले हैं मीठा।
मोनी निकला नहीं है क्या अभी? देखो मोनी ने निकाल दिया सब ये जूस, ये देखो मसाला भी होने वाला है बस, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम ये। मैंने यहाँ पे डाल दिया ये मटका और आपको इसे चलाना पड़ रहा है कंटिन्यूसली, तो ये फट जाता है, खराब हो जाएगी। तो आपको इसे तब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक आपको इसे घुमाना पड़ता है, और तब तक मम्मी इसके लिए पकौड़े बनाएंगी बेसन वाले, और तब तक मैं इसे ऐसे ही घुमाती रहूँगी। कम इधर दिखाऊंगी, तो आपको इसे पूरा अच्छे से हिलाते रहना है तब तक ये पूरा इसमें उबाल नहीं आ जाता है। और ऐसे छानना, तो यहाँ पे ये हो रही है कढ़ी, मैं इसे चला रही हूँ और मम्मी इधर बनाने की तैयार कोशिश में है पकौड़े, है ना, बेसन के पकौड़े कढ़ी के लिए। और इसमें मम्मी प्याज डाल रही है और अभी थोड़ा सा दही डालेगी, उससे जो पकौड़े होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। तो ये वाला काम ज़रा मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मम्मी यहाँ कर रही है पकौड़े की तैयारी, पूरा बेसन मम्मी भूल रही है, अभी पकौड़े बनाएंगी। हाँ हमारी कढ़ी में बस उबाल आने वाला है और ये बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम कर रहे हैं जिससे थोड़ा जल्दी आ जाए, उसके बाद फिर आराम आराम से पकती रहेगी। और एक चीज़ हम भूल गए थे आपको बताना कि इसमें एक कढ़ी पत्ता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कढ़ी बना रहे, तो इसमें हमने ये भी डाला था तड़के में। और इधर एक और कढ़ाई मम्मी ने चढ़ा दी है, इसमें अब डलने वाले हैं कढ़ी के पकौड़े। ये देखो गया सी, कितने प्यार से मम्मी हाथ से, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो स्पून से करती हूँ सारे काम। यहाँ पे कढ़ी में भी आ गया था अच्छे से उबाल, तो अभी आराम आराम से बनती रहेगी। मम्मी के पकौड़े भी साथ में तैयार हो गए, कुछ इस तरीके के होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़े से तैयार हो गए सी, बेसन के हैं प्रॉपर। तो अभी मम्मी और तैयार कर रही है, तब तक मैं चलती हूँ अंदर। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ सैलेड, खीरा और प्याज, खीरा सबके लिए है और प्याज सिर्फ मेरे लिए, मुझे कढ़ी के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो अपने लिए काट रही हूँ प्याज और सबके लिए काट रही हूँ खीरा। मतलब अब कढ़ी का नाम सुन के ना वेट नहीं हो रहा है, बस जल्दी कढ़ी बन जाए और कब मैं खाऊं। फटाफट से पूरा सैलेड कट कर देती हूँ, पता नहीं ये लोग प्याज क्यों नहीं खाते कढ़ी के साथ, मुझे तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो खीरा खाएगी पापा, ये मम्मी सब खीरा खाएंगे, खीरा मैं भी खा लूँगी, ऐसा नहीं है। बस अब कढ़ी, मोनी कितना वेट है तुझे कढ़ी का? बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मोनी की फेवरेट है बाय द वे कढ़ी, पापा को भी अच्छी लगती है, पहले नहीं खाते थे पापा, अब खाते, पर मम्मी भी लगी हुई है, मैं अपना इधर लगी हूँ, फटाफट से हो जाए फिर खाते हैं यम्मी यम्मी। तो गाइस मैं हो रही हूँ बोर क्योंकि मैं ऐसे वेट नहीं हो रहा, कढ़ी चावल तो मैं सोच रही हूँ, मैं टीवी चलाती हूँ, टीवी देखती हूँ, कुछ हप्पू की उल्टन पलटन देखते हैं, कुछ कॉमेडी वाला या कुछ मूवी लगाती हूँ। अभी कढ़ी बनी है? नहीं, बहुत तेज भूख लग रही है कढ़ी का नाम सुन के। वाओ कढ़ी रेडी है, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से बस मिल जाए, चावल भी बन चुके हैं, बन गए ना, जल्दी खिला दो, बहुत तेज भूख लग रही है, वेट नहीं हो रहा हमसे, चावल भी बन गए हैं, अब जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी दे दो खाने के लिए, बहुत तेज भूख लगी है, मुँह में पानी आ रहा है। वाओ यम्मी टेस्टी टेस्टी कढ़ी चावल है, अब बताओ कितने नंबर दोगे मम्मी को? वाओ 100 में से 99, पूरे 100 ही दे दो, 100 में से 101, 100 में से 101। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, है ना? वाओ, हाथ से मम्मी को कढ़ी चावल टेस्ट कराते हुए अब मम्मी बताएंगी कैसा है, आपने तो बनाया ही है, परफेक्ट टेस्टी है, और टेस्टी हो गया पापा के हाथ से खा के। आ जाओ गाइस कढ़ी चावल खा लो, बन गए सैटरडे स्पेशल कढ़ी चाय, यही यम्मी यम्मी मम्मी के हाथ के, तो हम सब खा रहे हैं, मजा आ गया, और प्याज के साथ तो और टेस्टी लगते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कढ़ी चावल खा के मजा आ गया, अब आ रही है बहुत प्यारी मीठी मीठी नींद, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।